बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के घर में फुकरा इंसान पूजा भट्ट को लेकर साइड में बात करने जाते हैं और दोनों भी अकेले बैठकर बात करते हैं। फुकरा इंसान 2-3 दिन से सोच रहे थे कि पूजा भट्ट से बात की जाए, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा था। तो दोस्तों, फुकरा इंसान कहते हैं कि मैंने 2-3 बातें ऐसी सुनी है जो सेम बेबी का मेरे लिए कहती है। मेरे जो फॉलोअर्स को लेकर हमेशा बात होती है, ये बेबी का हमेशा कहती है, लेकिन मैंने आपके मुंह से भी सुना, तो ये ऐसा क्यों? जो बेबी का कहती है वही टोन आपकी क्यों थी? और दोस्तों, इसके बाद में मैंने एक बार तब भी देखा जब मनीषा रानी आपके पास मेरे लिए अंडे लेने आई थी, तो आपने कहा था कि तुम फुकरा इंसान के लिए ये करती हो, तुम वो करती हो, तुम अभिषेक के लिए ये करती हो। तो उसके बाद में दोस्तों, पूजा भट्ट अपना पॉइंट एकदम क्लियर रखती है और वो बातों को पूरी तरह से अपने साइड से पलट लेती है, क्योंकि उनसे कोई बहस भी नहीं कर पाता घर में। तो पूजा भट्ट कहती है कि देखो, वो अंडे कोई मेरे खुद के तो नहीं थे ना, बिग बॉस ने साइरस के लिए भेजे थे, और जैसे साइरस जा रहे थे तो हर कोई हो साइरस साइरस सर ऐसे कर रहे थे, तो बाद में फिर उनके अंडे मांगना नहीं चाहिए ना, ऐसा कहना था पूजा भट्ट का। और पूजा भट्ट दोस्तों, मनीषा को अंडे नहीं दिए थे पूजा भट्ट ने। तो इस पर फुकरा इंसान मनीषा के लिए ही मनीषा की साइड लेते हुए बोलते हैं कि मनीषा का कहना वैसा नहीं था, वो आपके पास बहुत अच्छे दिल से आई थी। आप सभी की इस पर क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी जरूर लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।